खूब सारा वीडियो आएगा, खूब सारा मजा आएगा, मजा ना आए तो पैसे वापस। हेलो, ओह व्हाट अ को एक्सीडेंट लेडीज। कौन बात कर रहे हैं? मैम लेडीज बउआ बोल रही हूँ। दीदी किससे बात करनी है? आपसे दो मिनट चाहिए था। आप मुझे जानते हैं? सिर्फ दो मिनट। नहीं नहीं नहीं, जब जानते नहीं है तो बात कैसे करनी है? नहीं कर सकती आप? नहीं। फोन काटेंगी? बिल्कुल प्लीज। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ फोन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। माँ को फोन करना। अरे उल्लू का बच्चा, पुलिस आएगी ना घर पे डंडे लेके, सामने आ जाएगा तेरे। एक बार दो बार 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 परेशान करना। एक मिनट बस। कोई एक मिनट नहीं है, फोन रख दीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी जान की सवाल है तो फिर? अपनी बहन से बात कर। मैंने सिर्फ दीदी बोला आपको। अरे दीदी बोलो या कुछ भी बोलो। आपको दीदी बोला मैंने, जान की बात है। तब बोल क्या बोलना है? बोलता ही नहीं है। देखिए गर्लफ्रेंड बड़ी रूड होती है। हाँ तो बोल क्या करूँगी। और गर्लफ्रेंड को जान भी बोलते हैं। अच्छा। और रूड यानी पत्थर दिल। अच्छा जी। और जान यानी सीमेंट में जान। अच्छा। यानी सीमेंट भी पत्थर हो जाता है। अच्छा। यानी गर्लफ्रेंड पत्थर होती है। तो इससे साबित क्या करना चाहता है तू? यही कि सीमेंट में जान होती है। हाँ तो नहीं तो आप इतना पत्थर, सॉरी सीमेंट, सॉरी जान, सॉरी जान होगी तेरी माँ। नहीं गलत बोल। मैं इतने तमीज से बात कर रहा हूँ, आप क्या कर रही थी दीदी? हेलो, ये सीमेंट। हंस रही है आप, मन में हंस रही है आप? आपकी हंसी हंसी झूठ रही है। तो ये जो अपनी बातें बता रहे हैं ना, बनावटी बातें। बनावटी नहीं है आप। एक सेकंड, मेरे पापा ने मकान लिया लेकिन मेरी माँ ने उसे घर बनाया। घर भी सीमेंट से बनता है और घर औरत से भी बनता है। यानी औरत सीमेंट की तरह होती है, यानी पत्थर होती है। सीमेंट की बोरियां ले आओ अपने। एक चीज बताइए, आप बीच में हंसी थी या नहीं हंसी थी? बस हंस रही है, बहुत बढ़िया। रख दे नीचे, रख देता हूँ मैं। सीमेंट में क्या होती है? सीमेंट अपनी माँ को दे, अपने में घुसा ले। हंस भी रही है, गंदा भी बोल लीजिए यार। हेलो हेलो जी। हेलो, हमारा समाज लेस हो गया है। लेस समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। एक सेकंड रुकिए आप, जल्दी। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, धीरे चलोगे बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, हमारा गैस वायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, हमारा फूड जो है वो फैटलेस है, टायर ट्यूबलेस है, हमारे ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है, हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू गलत रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने जा रही है। लेकिन हमारे अरमान हैंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लैस हूँ। अच्छा, बता रहा हूँ। अच्छा, उस गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो? मैनरलेस। मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा, मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर पे थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा, कमर पे कोनी मारेंगे? भगवान ने तेरे को नवाजा है या नहीं? आपके पास होती, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, दो मिनट चाहिए समाज को कुछ कुछ मैसेज देने के लिए, समझाने के लिए। मैं अक्सर फोन लगाया करता हूँ, आज आपका लग गया है। पिछले दो तीन लोगों ने काट दिया फोन, इसलिए बात नहीं हो पाई। दो मिनट में बातें खत्म, आप हो कि निपट लिए? हम तो है, लेकिन आपको कई लोग हैं जिनको हंसते वक्त गाल में डिम्पल पड़ता है, गड्ढे। हेलो यार, तो आपने मेरे को क्यों फोन किया? वही कह रहे हो, आपके पड़ते नहीं पड़ते? नहीं, आपने हमें क्यों फोन करा? ये एक सेकंड दे दो भाई साहब, यही समझा दूंगा। एक मिनट, कि जो ज्यादा हंसता है गाल में ज्यादा गड्ढे पड़ते जाते हैं, और अक्सर लोगों ने कहा है कि जो आदमी ज्यादा हंसता है अंदर से वो ज्यादा इमोशनल होता है, अकेले में रोता है। वो गाना भी था ना, तुम ही तीना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसी को। ऐसा कुछ नहीं किया जाता, मैं बता दूंगा। तो
आदमी को गड्ढे क्यों दिए गाल में देखो। तो ज्यादा हंसने वाला अंदर से रोता है, अकेले में रोता है। और अकेले में ही आदमी कुछ ऐसे काम भी करते हैं जैसे वसीयत बनाने का काम, ओपनली करता नहीं। अब वसीयत बनाते वक्त अगर वो रो रहा है तो सीधा वो आंसू की बूंद वसीयत पे गिरी, वसीयत खराब। जिसके नाम कुछ करना था, घर वालों के नाम कुछ कर नहीं पाए, बेचारे आपके जाने के बाद घर से बेघर हो गए, वकील सारा कुछ लेके बैठ जाएगा। इसीलिए गाल में गड्ढे बनाता है भगवान, जिससे जब आंसू आंख से निकले तो गड्ढे में गड्ढे भर जाए। एक सेकेंड भगवान, नहीं भाई मुझे माफ कर दो। गड्ढे इसलिए बनाते हैं जिससे आंसू गड्ढे में भर जाए, नीचे वसीयत खराब न करे। ए भाई मिल लो जा रहा है भाई तो इसलिए गड्ढे में पानी भर जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, वसीयत खराब नहीं होगी। नहीं भाई। हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। अरे बोल, कौन रहे? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? मेरा पड़ोसी बहुआ। अरे मैं ही बहुआ, मैं तेरे को जानते नहीं। हाँ तो जानना, मैंने बताया कि मैं जानना है। पैन कार्ड नंबर दूँ? नहीं नहीं, काम बोल, अपना काम बोल। जान पहचान के लिए फोन भी नहीं किया, मैं तो सीधा काम पे आऊँगा। अबे तो काम बोल। चिल्ला रहे, क्रोध को पालने सीख काशी, कात्या आ जाएगा कात्या। सॉरी, मैं कह रहा था लोग कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक कहते हैं। क्यों ठीक कहते हैं? छेद वाली थाली के कई फायदे होते हैं। फायदे होते हैं तो मेरे को क्या फायदे बता रहा है? देखो अगर आप रसे वाली सब्जी खा रहे हो, तड़ी वाली सब्जी, और उसमें अगर मिर्च ज्यादा है, तो अगर छेद वाली थाली है तो छेद के रास्ते से वो पूरा का पूरा तड़ी जूस रस निकल जाएगा। तो मैं क्या करूं? तो मिर्ची ज्यादा नहीं लगेगी, इसलिए जिस थाली में खा रहे उसमें छेद करे। सुनिए, बाद में आप खाने के बाद उसे कील पे टांग सकते हैं दीवार में। एक सेकेंड, मम्मी उसे चलनी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, चांद देखने के काम आएगा चांद। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, फोन काट रहा हूं। फोन ही काटिए। एक सेकेंड, हेलो बोल। आप एक थाली में एक से ज्यादा अगर छेद करते हैं तो उसको आप टंकी में फिट करवा लो, शावर भी बन जाएगा। उस छेद हुई थाली का एक्सरे करवाइए। उस थाली का एक्सरे लोगों को दिखाइए और कहिए मेरे दिल में छेद है, पैसा चाहिए ऑपरेशन के लिए, पैसे भी मिल जाएंगे। तो हर जगह है थाली के बाद तेरे शरीर में भी बहुत छेद है। कहाँ? पीछे घूम। पीछे तो कोई नहीं खड़ा है। अरे पीछे नहीं, अपने नीचे। गलत आदमी, कान में भी छेद होता है। मेरी बात सुनिए, थाली को धोने में भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ झड़ने के नीचे जाइए और झड़ने के नीचे इसे रख दीजिए, धुल जाएगी। झड़ने और थाली का क्या लेने देना, और झड़ने के नीचे कौन ले जाएगा? झड़ने तक तो आप ही को ले जाने ना, अब सारी मेहनत मैं थोड़ी करूँगा। झड़ने को थाली को तरी डाल के ना, इतने छेद कर पता लगेगा कहाँ से निकल रहा है। गंदी बात कर, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। हेलो, यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारे बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, नमस्ते भैया जी। नमस्ते, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको, दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी अंकिल। हाँ हेलो। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। अरे भाई, हो तो गई, अब कितने देगा? हो तो गई, ठीक है भाई, मैं भी परेशान हूँ, ऐसे जैसे आप परेशान हैं मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो मैसेज। हेलो, तो हाँ हूँ, बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटाए। सुन रहा हूँ मैं। हाँ, बता, तो कई ऐसे मैसेज आए, कई मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसको रखूँ या डिलीट। तो भाई मेरे को क्या करना है उसमें? एक सेकंड, वही मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ, वो तेरी मर्जी की बात है यार, रखना है रखना है मत रखो। भाई साहब, हेलो हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम। अरे यार तेरे को नेटवर्क नहीं है, फोन काटा है, समझ नहीं आ रहा। सुनो तो, कुछ मैसेजेस है मैं चाह रहा हूँ रखूँ या डिलीट, जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए, ऐसी दिवाली। ये एक मैसेज है, इसको हटाऊँ रखूँ? हटा दे। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गए हूँ, खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत में चार चांद लगाएं, लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। ये रखूं या हटा दूं? एक और सुनो। हेलो
यार फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे नेटवर्क नहीं कट रहा हूं, बता तुझे यार दिमाग ज्यादा पल्लू। आप गलत नहीं बोलेंगे तो सही हो जाएगा भाई साहब। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं। मैसेज चेक करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है मेरे पास में, खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कराऊं ये? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूंगा कौन सा जाना है। मैं सुना तो गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब गुल कौन है? हेलो, क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा हूँ, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली पे भी भेज रहा है, दिवाली पे भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा पे भी भेज रहा है, नए साल पे भेज रहा है। तो क्या हुआ है गुल? गुल से आप गलत नहीं बोलिए, देखिए आप गलत बोलिए तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा, अगली बार से वो आपको पैगाम चर्च में पढ़ा से क्या होता है ऊपर घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अबे दिमाग मत खराब कर, बहुत तेज समझ में आ गया ना। तो गुल ने गुलशन से वाली पे सलाम भेजा है, डाल दूंगा गुल को। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो बहुआ बोलो। नमस्ते। हेलो, या हु इज दिस? नहीं नहीं बताओ क्या बात है, कौन बोल रहे हो? क्या हो गया? हाँ मैं जानता हूँ क्या? अच्छा बताओ। सुबह हाँ सुबह सबसे पहले टट्टी आती है और क्या आएगी? तो मेरे को क्या पता भाई साहब, एक मिनट चाहिए आपको, मतलब भाषा की सीमा लांग रहे भाई साहब, एक मिनट चाहिए, फटाफट बात खत्म कर। पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है, जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, तो आगे उसको सिग्नल भी मिलता है, सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है, ग्रीन तो ग्रास भी होता है, ग्रीन तो घास भी होती है, और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं, पेड़ में लकड़ी होती है, और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है, ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है, क्यों होता है पता आपको? मेरे को क्या पता था ले? आप तो जब आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली तो ये नहीं पता, आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद हो गई? साले मेरी दिमाग काटे जा रहा है, उसके बाद ये सब सुनूं तेरे आप, जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया, तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है? नेचर आप गलत मत बोलिए भाई साहब, सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह सुबह टट्टी आती है, ठीक है, मेरा दिमाग में वही बड़ा है, मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी मेरे को। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, माझा तुमचा जुडता तारा, बदलती तारा खटकती तारा, सुडकी न आप वाला जो वो था एक ताई तलक ताई ताई तलक, अरे फोन को बनी ताई, बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बहुआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बहुआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही। हाँ भाई साहब एक सेकंड रुकिए, कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? दो रंग काला और गोरा। भाई साहब काला और गोरा यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी, मेट्रो की लाइन है, मेट्रो की लाइन? हाँ देखी है, येलो कलर की, येलो होती है, और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं मालूम। ब्लू होती है, रेड होती है, मैजेंटा होती है, नीली होती है, सब होती है, लेकिन काला और गोरा नहीं होती है, नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं चर्चा, चाहते हैं बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवाल पूछना चाहे भाई साहब। आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कह रहे हैं?
देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ अरंग ना हो तो कितना फीका चीज। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? ओके, तुम जा अभी बाजू में ही। तुम बोल कौन रहे हो? सॉरी, तो रंग का बताइए, भंग करिए उसे। देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी तक कमल सदाना थे उसमें, तो जिन्हें देखूं तो तुषार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक रहा, हालांकि आज के जमाने ले गए आप, ले गए 90 में ले गए। 100 में वापिस आ जाओ। बोल कौन रहे? दशक में ले गए आप, 100 में वापिस आ जाओ। सॉरी बैठागी जी, यहाँ बताइए। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। तो इसलिए काला रंग नहीं था, लेकिन सफेद क्यों? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे उसमें कोई दाग नहीं। और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? तुम जहाँ बैठे हो ना मेरे को वहीं आना है, तुम्हारे तोड़ने वाला। बैठा की जिनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ। आप कैप्चा बदलू? कैप्चा बदलू हो गए आप ही हैं जो डिफेक्ट है IRCTC में। गलत आदमी कैप्चा, टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैठागी, इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में सकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उन उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफसी रॉकी। बट एफसी रॉकी नहीं, 93.5 FM बजाते रहो इसे। नाती तू तो टिक टिक। फोन आया था जो बउआ को टॉपिक देते हुए कहते हैं कि आजकल अलग अलग तरीके के गाने बनने लग गए हैं, और एक गाना आया आजकल बड़ा चल रहा है कि आज रात का सीन बना ले। क्या इसी गाने पर बउआ कुछ मजे ले सकता है? ये सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, बउआ बोल रहे हैं। कौन बउआ भाई साहब? दो मिनट चाहिए था ना। हेलो भाई साहब, बता तो दो कौन हो। अच्छा काम पहले बता दूँ क्या? सब बता दूँ। वहाँ एक गाना सुन रहा था मैं, समझ नहीं आया मेरे को। कौन सा गाना सुन रहे हो? ये बताइए, सुनो, देखिए ये सुनिए। आज रात का सीन बना ले, यहाँ बड़ी लड़की कह रही है आज रात का सीन बना ले। हाँ जी जरूर कह रही है, हमने भी सुना। तो सीन बनाने के लिए सामग्री क्या क्या लगेगी रात को? नहीं पता है, तू बता दे भाई। मैंने सोचा कि क्या रेसिपी हो सकती, तो मैंने लिखा भी है। तो रात का सीन बनाने के लिए सबसे पहले जवानी की आग जलाएं। जवानी की आग है? आज थोड़ा तेज ही रखे। आज तो ऐसी है जब पिल्ली लगानी दे रहा बस। फिर आवारा गर्दी की एक कढ़ाई ले लें, उसमें 2 चम्मच बेसडमी का तेल डाल दें। 2 चम्मच बस? चुटकी भर जलालत ले लें। जलालत है? हाँ। और हल्का भूरा रंग होने तक रुकें। फिर चेहरे पर 200 ग्राम मेकअप। हेलो, और दिन में 3000 बार ओ बोलने वाली एक लड़की ले लें। फिर उसी 200 ग्राम मेकअप को दिलाने वाला, खरीदने वाला और 3000 बारी और सुनने वाला एक लड़का ले लें। तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। इन सब को एक खाली पनके यानी वेला पंती के कटोरे में फेंक ले। और भाई साहब जो कढ़ाई हमने आवारा गिरदी की कढ़ाई गर्म करने को रखी थी उसमें ये फेंटा हुआ सामान डाल दे। ठोकनी लगा दे कमीने पन का। हाँ, और फिर बत्ती बुझा के 10 मिनट के लिए रख दे। उसके बाद फिर 10 मिनट में उसके बाद आज रात का सीन बना, आज रात का जो सीन बनेगा। आप लोग भी सीन बनाते हैं रात का? हाँ बनाते हैं जी, क्यों नहीं बनाते हैं? कैसे बनाते हैं आप लोग? हमारे अब नवरात्र रह रहा है तब रात को सीन बनेगा हमारे यहाँ। नवरात्रि? हाँ, कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे। कहाँ रहते, कौन सा जिला है आपका? आप बताइए आप। वहाँ पर आपके जिले में कुआं है? कुआं है, और फिर कुएं में तेरे गले पत्थर फेंक के तेरे को फेंक दूंगा। हेलो, अरे माता रानी पाप करेगी, रात का सीन बना रहे फोन रखा। पहली बार मेरे करियर में ऐसा। Red FM Morning Number 1 रौनक के साथ Monday to Saturday सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 Red FM बजाते रहो। वो टॉपिक देते हुए एक भाई साहब ये कहते हैं कि WhatsApp पे जो यहाँ वहाँ से मैसेजेस फॉरवर्ड होके हमारे पास आते हैं, इसके अलावा हम अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मैसेजेस आते हैं। कई बार तकलीफ हो जाती है कि यार इतने मैसेजेस, इतने फोटोज, इतने वीडियोस। तो उसी बात पे बउआ ने क्या मजे लिए, आइए जरा। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था जी। कौन, क्या काम है बताइए? 2 मिनट चाहिए था जी। पहचाना नहीं मैं, कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको? मैं कह रहा था ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है?
नहीं पुराने फोन में पता तुझे काम क्या है। तो व्हाट्सएप पे आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछूं शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना जल्दी पूछ। सॉरी। बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया, बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा होगा उसका भाई, पेट भरा होगा। ना ना ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड, एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा, और इस बार उसने 11 के 11 नहीं खाए, बताओ क्यों? मैं सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। एक सेकेंड, फिर एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा, फिर भी उसने नहीं खाया, बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा होगा उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे, हाथी बाहर। केले और हाथी दोनों डाले, प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकंड रुकिए, इस बार सुनो, इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया था। तो अब मैं ही बताती हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे। एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए, बचा क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। देखो कैसे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हैं। अच्छा था ना, फॉरवर्ड करूँ तेरे को मैं? फॉरवर्ड करेगा। ओह माय गॉड, जी बोल के काटा है लो। भाई नितिन ने फोन किया बहुआ को और टॉपिक देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। क्या अतिथियों यानी मेहमानों के बारे में बहुआ कुछ मजे ले सकते हैं? सुनिए। हेलो। माय गॉड।